शाहरुख खान साल 2023 में 1000 करोड़ की कमाई करेंगे। 4 साल के लंबे ब्रेक को शाहरुख खान खत्म करके सिल्वर स्क्रीन पर आ रहे हैं 3 फिल्मों के साथ बैक टू बैक। तो क्या ये एवरेज मान के चला जाए कि शाहरुख कम से कम 1000 करोड़ का बिजनेस बॉलीवुड को देने वाले हैं? क्योंकि शाहरुख खान के इन पठान, जवान और डंकी तीनों की अपनी कुछ ऐसी स्ट्रेंथ है जिसका फायदा सीधा इनकी कलेक्शन पर पड़ेगा। ये सारी फिल्में अगले साल के लिए लाइनअप की गई हैं। इसी के साथ शाहरुख अपना नया साल हैट्रिक के साथ करेंगे। पहला स्ट्रेंथ, पठान में है एक्शन लबालब। जी हाँ, साल 2023 का खाता शाहरुख अपनी एक्शन थ्रिलर फिल्म पठान के साथ करेंगे। इस फिल्म में एक्टर के साथ मेन लीड और शाहरुख खान की लेडी लक दीपिका पादुकोण और विलेन के रोल में जिम यानी जॉन अब्राहम भी नजर आएंगे। हालांकि पठान को लेकर उम्मीदें हाई लेवल पर इसलिए भी हैं क्योंकि फिल्म यशराज बैनर तले बनाई जा रही है, जो कि एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है और इसका डायरेक्शन सिद्धार्थ आनंद ने किया है, जो ऑलरेडी वॉर जैसी सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं। ऐसे में यशराज, सिद्धार्थ और शाहरुख का कॉम्बो काफी जबरदस्त होने वाला है। इसके साथ ही पठान को एक और फायदा मिलेगा, रिपब्लिक डे का। जी हाँ, क्योंकि फिल्म 25th को रिलीज हो रही है और इस लिहाज से फिल्म को एक लंबा वीकेंड और हॉलीडे मिलने वाला है, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि पठान बॉक्स ऑफिस पर जोरदार आंधी लेकर आएगी और कलेक्शन के मामले में सबसे आगे निकल जाएगी। दूसरी स्ट्रेंथ, शाहरुख खान की जवान का जलवा। शाहरुख की अगली फिल्म जिसका नाम है जवान, इस फिल्म को साउथ के डायरेक्टर अटली कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं और ये पहली बार है कि अटली कोई हिंदी फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में पहले से ही जवान के खूब चर्चे हो रहे हैं। फिल्म में शाहरुख एक अलग किरदार में पर्दे पर उतरेंगे और इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि ये फिल्म 2 जून 2023 को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज हो रही है और इसमें साउथ के सुपरस्टार्स भी हैं। फिल्म में नयनतारा हैं, जिनका एक अलग फैन बेस है, जो जवान के लिए फायदे का सौदा होने वाला है। फिल्म का क्रेज का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब फिल्म का टीजर आउट हुआ था तब उसमें शाहरुख खान के लुक ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस पैन इंडिया फिल्म 400 से 500 करोड़ का बिजनेस भी कर डालेगी। तीसरा स्ट्रेंथ, राजकुमार हिरानी की फिल्में होती है सुपरहिट। इसके बाद शाहरुख की फिल्म डंकी है, जो अगले साल के लिए लाइनअप है। जी हाँ, साल के एंड में उनकी फिल्म डंकी थिएटर में दस्तक देगी, यानी कि 22 दिसंबर को ये फिल्म धमाल मचाएगी। वो इसलिए क्योंकि डंकी को राजकुमार हिरानी ने बनाया है। ऐसे में राजकुमार हिरानी अपने शानदार डायरेक्शन के लिए जाने जाते हैं और इसी वजह से फिल्म का ये जबरदस्त स्ट्रेंथ है। हालांकि इसका एक्स फैक्टर ये भी है कि ये फिल्म पहली ऐसी फिल्म है जो साउथ अरब में शूट हुई है। इसके अलावा फिल्म में फैंस और दर्शकों को शाहरुख की इंटेंस कॉमेडी भी देखने को मिलेगी। तो बैक टू बैक 2 एक्शन देने के बाद अपनी तीसरी फिल्म में शाहरुख लोगों को हंसाने का काम करेंगे। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि शाहरुख खान की तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर मिला जुला कर ऑन एन एवरेज 1000 से 1500 करोड़ का बिजनेस जरूर करेगी और डूबते बॉलीवुड को बचा सकती है। ऐसे में बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर पस्त पड़ी है। ऐसे में शाहरुख का इस हैट्रिक के साथ कमबैक करना बॉलीवुड के लिए बेहद जरूरी और उम्मीदों भरा माना जा रहा है। आप बताइए।